नमस्कार, मैं पंकज सक्सेना, इंडिया स्पीक में आप सभी का करता हूं स्वागत। आइए देखते हैं कुछ खास खबरें। बरेली में मुहर्रम के त्योहार के मद्देनजर आरएएफ के साथ पुलिस बल ने फ्लैग मार्च किया है। यह फ्लैग मार्च कुतुबखाना से शुरू होकर कई शहर के कई मार्गों से गुजरा। इस फ्लैग मार्च में पुलिस के कई आलाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान पुलिस के आलाधिकारियों ने लोगों को यह एहसास दिलाने की कोशिश की पुलिस उनके साथ है, अगर उनके किसी तरह की परेशानी हो तो पुलिस को सूचित करें। बरेली से प्रतीक सक्सेना के साथ ब्यूरो चीफ प्रभुपाल की रिपोर्ट। देखिए, कोविड-19 के दौरान शासन प्रशासन के द्वारा समय समय पे तमाम दिशा निर्देश दिए गए हैं। उन दिशा निर्देशों के अनुपालन में पुलिस के द्वारा लॉकडाउन की कार्रवाई को प्रभावी तरीके से सुनिश्चित कराया जा रहा है। सैटरडे संडे जो दो दिन साप्ताहिक बंदी होती है, इसको प्रभावी तरीके से एनफोर्स कराया जा रहा है। साथ ही साथ ये भी बताना चाहूँगा कि त्यौहार को मद्देनज़र रखते हुए भी पूरी पुलिस टीम सतर्कता के साथ क्षेत्र में भ्रमणशील है तथा तमाम गतिविधियों पर नज़र रखी जा रही है। त्यौहार के संदर्भ में जो भी शासन के निर्देश हैं उनका 100% पालन कराया जाएगा। इसके लिए लोगों से भी अपील की गई है विभिन्न मीटिंग्स के माध्यम से, जो थाना स्तर पे, सर्किल स्तर पे, जिले स्तर पे की गई है। उसके अलावा रेगुलर पीए सिस्टम के माध्यम से अनाउंसमेंट करके, पैदल गश्त करके, भ्रमण करके विभिन्न इलाके मोहल्लों में भी लोगों को इसके बारे में जागरूक किया जा रहा है कि वर्तमान में कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए जो सरकार के दिशा निर्देश हैं उनका 100% पालन करें। आज समस्त जिले में सभी क्षेत्राधिकारीगण को, अपर पुलिस अधीक्षकगण को निर्देशित किया गया है कि अपने अपने एरिया ऑफ ज्यूरिडिक्शन में वो पैदल गश्त ऑर्गेनाइज करेंगे। सभी थाना क्षेत्र में, कस्बों में, संवेदनशील गाँवों में, साथ ही साथ शहर में भी तमाम जगह जहां मिश्रित आबादी है या अन्य संवेदनशील स्थान मार्गों को चिन्हित करके वहां पे आरएएफ, पीएसी इत्यादि के साथ रूट मार्च किया जा रहा है।